गाइस कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट में। गाइस आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के कलेक्शन की और आज है इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर 12वां दिन। तो गाइस अगर बात करें इस मूवी के कलेक्शन की तो मैं आपको बता दूं कि गाइस इस मूवी का जो कलेक्शन है वो फर्स्ट वीकेंड पे तो काफी बढ़िया रहा और साथ में इस मूवी ने सेकंड वीकेंड पे भी काफी अच्छी कमाई कर ली, पर जैसे ही वीकडेज स्टार्ट हुए इस मूवी का कलेक्शन ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस अगर बात करें इस मूवी की डिटेल्स की तो ये मूवी फैंटेसी एडवेंचर है और इस मूवी में रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट, मौनी रॉय, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन अक्किनेनी नजर आए। गाइज ये मूवी अयान मुखर्जी के डायरेक्शन बनकर तैयार हुई थी, तो वहीं इस मूवी को प्रोड्यूस किया था खुद रणबीर कपूर और करण जौहर ने। गाइज इस मूवी का बजट जो है वो 410 करोड़ रुपए था, तो वहीं इस मूवी ने रिलीज से पहले 295 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली थी। और गाइज इस मूवी को पब्लिक से काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसके चलते इस मूवी का जो कलेक्शन है वो भी काफी बढ़िया आया। तो गाइज अगर बात करें कलेक्शन की तो इस मूवी ने अपने फर्स्ट वीक पे इंडियन नेट कलेक्शन किया 173 करोड़ 20 लाख रुपए का, तो वहीं फर्स्ट वीक पे वर्ल्ड वाइड कमा लिए 300 करोड़ रुपए और वहीं अपने 10 दिनों में इंडियन नेट कलेक्शन कर लिया 215 करोड़ 25 लाख रुपए का, तो वहीं 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड कमा लिए 360 करोड़ रुपए और वहीं इस मूवी ने अपने 11वें दिन कमाई कर ली है लगभग 5 करोड़ रुपए की। अगर बात करें आज यानी कि इसके 12वें दिन के कलेक्शन की तो गाइस आज की जो ऑक्यूपेंसी है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है। ये मूवी आज लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए कारोबार कर सकती है। इस मूवी का 12 दिन का इंडियन नेट कलेक्शन हो रहा है 225 करोड़ रुपए, तो वहीं 12 दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 378 करोड़ रुपए। यस गाइस 12 दिन और 378 करोड़ रुपए का कारोबार और अब ये देखना है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितने दिन और टिक पाती है। तो गाइस आप लोग क्या लगता है ब्रह्मास्त्र मूवी बॉक्स ऑफिस पर और कितने करोड़ का कारोबार कर पाएगी, मुझे अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।